जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया भयंकर तूफान, इस तरह से पलट दिया पूरे मैच का रुख कि जानकर आप भी करोगे भारतीय गेंदबाजों को सलाम। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कैसे दूसरी पारी में इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों के पर खच्चे उड़ा डाले और इस मुकाबले को जीत की तरफ आगे बढ़ाया। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि ड्रेसिंग रूम में लौटे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, तो कुछ इस तरह से साथी खिलाड़ियों ने किया रिएक्ट कि वीडियो देखने के बाद आपका भी दिल हो जाएगा खुश। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, बुमराह और इंग्लिश खिलाड़ियों के बीच बड़ी तकरार, जब बुमराह करवा रहे थे गेंदबाजी तो कहते दिखे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसे ऐसे शब्द की जानने के बाद आप भी रह जाओगे दंग। तो दोस्तों इस खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मेजबान इंग्लैंड और भारत के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शमी और रहाणे की अर्धशतकीय पारी के दम पर 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। जी हां दोस्तों, 271 रनों की बढ़त हासिल भारतीय टीम ने करी, जहां पर 271 रन की बढ़त हासिल करने के साथ ही कप्तान विराट कोहली ने पारी को घोषित करने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने भारत की दूसरी पारी खत्म होने तक 272 रनों का लक्ष्य दिया, वो भी मात्र 60 ओवरों में। और ऐसे में इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से रॉरी जोसफ बंस और डॉम सिबले मैदान पर उतरे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में आते से ही काफी ज्यादा बेबस नजर आ रहे थे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करवा रहे थे कि वो मानो इन खिलाड़ियों को डराने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी एक छोर से ताबड़तोड़ गेंदबाजी करवाते हुए नजर आए, जहां पर पहला बड़ा विकेट जसप्रीत बुमराह ने रॉरी जोसफ बंस का पहले ही ओवर में चटका दिया। जी हां दोस्तों, रॉरी जोसफ बंस 4 गेंदों का सामना करते हुए 0 रन पर ही पवेलियन वापस लौटे और ये इंग्लैंड की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, रॉरी जोसफ बंस इस मुकाबले में इंग्लैंड की तरफ से मात्र 4 गेंदे ही खेलकर 0 रन के स्कोर पर ही आउट हुए और जसप्रीत बुमराह ने पहला बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को ये दिया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद सिराज के हाथों पहले ही ओवर में इस विकेट को चटका दिया। तो वहीं दोस्तों फिर दूसरा ओवर जब करवाने के लिए मोहम्मद शमी मैदान पर उतरे तो मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करवाई। जी हां दोस्तों, यहां पर डॉम सिबली का विकेट दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड टीम का भारतीय टीम के गेंदबाजों ने चटका दिया। जी हां दोस्तों, यहां पर डॉम सिबली 4 गेंदों में वो भी 0 रन पर ही आउट हुए और उनका विकेट मोहम्मद शमी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा कर लिया। और यहां पर 2 बड़े झटके इंग्लैंड की टीम को लग चुके थे और इन 2 झटकों से इंग्लैंड की टीम उभर भी नहीं पाई थी। यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करवाकर पूरी तरीके से उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाज काफी ज्यादा भला बुरा इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों को कहते हुए नजर आए और मैदान पर गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने के लिए मिला। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारतीय टीम के लिए ये खुशखबरी निकल कर आई कि उन्होंने विकेट भी इस दौरान चटकाए थे। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के बारे में और भारतीय टीम की गेंदबाजी को देखकर 10 में से उन्हें कितना अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, ड्रेसिंग रूम में लौटे बुमराह और शमी, तो इस तरह से कुछ साथी खिलाड़ियों ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, जहां पर शमी और बुमराह ने न केवल टीम इंडिया पर से हार का खतरा टाला वहीं उन्होंने टीम इंडिया के खेमे में जीत की उम्मीद भी जगा दी। जी हां दोस्तों, पहले सेशन के खत्म होने के बाद दोनों ही खिलाड़ी नाबाद लौटे, जहां पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो साथी खिलाड़ियों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर इन खिलाड़ियों का स्वागत किया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री सबसे आगे खड़े होकर दोनों ही खिलाड़ियों को शाबाशी देते हुए नजर आए और वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी दोनों खिलाड़ियों का जमकर चीयर किया। तो वहीं हम आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने 120 गेंदों पर नाबाद 89 रनों की पारी साझेदारी की, जहां पर भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में 7वां बड़ा विकेट गिरा था और उसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीत लिया। बाकी अब आपके क्या राय इनकी बल्लेबाजी के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों
दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले का आज पांचवा दिन खेला जा रहा है, जहां पर आज पांचवे दिन के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा लेते हुए नजर आए भारतीय टीम के टेलेंडर्स खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि यहां पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 391 रन बनाए थे। और फिर जब भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम चौथे दिन तक का खेल खत्म होने तक अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी और भारतीय टीम के हाथ में 4 विकेट थे। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय टीम जब मैदान पर पांचवे दिन बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा मैदान पर उतरे, जहां पर ऋषभ पंत आज के इस मुकाबले में कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत 46 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए और वहीं उनका विकेट ऑली रॉबिन्सन ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा कर लिया। रॉबिन्सन की गेंद पर LBW आउट हुआ और यहां पर भारतीय टीम को 8वां सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी तो आउट हो गए, लेकिन जो तूफान आने वाला था शायद वो इंग्लैंड टीम के गेंदबाज भनक नहीं पाए। जी हां दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि जब मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह पर उतरे तो दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी जहां एक तरफ चौके और छक्के लगाने का ही प्रयास करे जा रहे थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह भी किसी से कम दिखाई नहीं दिए। दोनों ही खिलाड़ी ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए नजर आए। बाकी आप यहां पर इन दोनों का स्कोर कार्ड भी देख सकते हो कि अभी तक भी ये बल्लेबाज कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और मार्क वुड और जसप्रीत बुमराह आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। और उसके बाद तो मानो जसप्रीत बुमराह ने हर एक गेंदबाज की गेंदों पर चौके और छक्के लगाना ही शुरू कर दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है भारतीय टीम के टेलेंडर्स की शानदार बल्लेबाजी के बारे में और भारतीय टीम के द्वारा बनाए गए इस टारगेट के बारे में भी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि आज जब दिन का खेल शुरू हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत तूफानी बल्लेबाजी करेंगे और जल्द से जल्द भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को टारगेट देने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, यहां तो कुछ विपरीत ही देखने के लिए मिला। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत काफी ज्यादा डिफेंसिव दिखाई दिए, वो बड़े बड़े शॉट नहीं बल्कि एक एक दो दो रन लेते हुए क्रीज पर दिखे। हालांकि दोस्तों, इसी बीच ऋषभ पंत का विकेट 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिर गया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत को यहां ऑली रॉबिन्सन ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाया। जी हां दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत ने 46 गेंदों का सामना किया और 46 गेंदों में ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में 22 रन बनाए। शमी मैदान पर उतरे तो दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां ईशांत शर्मा बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और हर एक गेंद को पवेलियन में पहुंचाना चाह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी भी आज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, यहां पर दोनों ही खिलाड़ी अभी इतने रनों पर खेल रहे हैं लाइव, जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।